Hey guys, good morning and welcome back. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने आज के प्यारे से ब्लॉग में। सुबह का नजारा कुछ यूं है घर का। भाई साहब हमारे घर में एक इंजीनियर साहब को अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, वाह भाई कैसी हैं आप। ये सुबह सुबह ये सही कर रही हैं। वाह वाह, मतलब ये नया है और ये इसको क्या कर रही हैं आप? बहुत दिन से खुला बंद नहीं होता। ये नया ला के ये लोग रख दिया था, किसी को देना ही था, है ना जी। बाकी अभी किसको क्या देना था वो तो मैं बताऊंगा। इधर गुड मॉर्निंग जरा हमारी बिटिया रानी को भी देख लीजिए, इनका कार्टून चल रहा है इधर सुबह सुबह। मस्त मेसी टाइप का पूरा घर हुआ है अभी, क्योंकि अभी साफ सफाई होगी। और आज मैं भी सुबह सुबह घर पर नजर इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि स्कूल मेरा डे हो गया है। अभी 8 बज रहे हैं, घर का साफ सफाई हो गया, बस बेड करना बाकी है क्योंकि तितली सोई थी, पूरा उलट पुलट के बेडशीट सब लपेट की, इसलिए वैसे है। लगता ही सही कर दी। वाह सही, क्या बात, शाबाश शाबाश। तेल लगाए ना, तेल सही। तो गाइस घर में 2-3 शादियां हैं, है ना जी, और हम लोगों को जाना है। आज एक शादी है, मेरी मौसी की बेटी की शादी है। कितने तारीख को है? 9 को, आज 8 है। और एक मेरी मौसी की शादी है जो है 11 को, 11 जुलाई को। तो बैक टू बैक इतने सारे फंक्शंस, समझ सकते हैं मन घबरा भी रहा है। और जाना सब में है, लेकिन निशा कह रही है कि मेरी तबीयत उतनी सही नहीं है, राइट, क्योंकि ये कल ही पूरा थक गई थी जब मंदिर गई थी, और इसका पाँव में थोड़ा सा चोट भी लग गया है। कौन आने वाला था? मामा लोग आने वाले थे। मामा लोग आने वाले थे तभी इसके पाँव में चोट लग गया था। ऊपर नीचे कर रही थी, सीढ़ी में जाकर टकरा गई। इतना बारिश होने के कारण सीढ़ी में पूरा पानी हो जाता है, जमा। स्लिप कर गया और इसका थोड़ा सा नाखून फूट गया, नाखून। चलिए, हाँ यार वो सब बाद में ही दर्द करता है। तो अभी आज हमारी मौसी की जो बेटी है, प्यारी सी बहन मेरी, तो आज उसका कथा पूजा है। कथा पूजा आप लोग समझते हैं, माटी मटकोर जिसको बोलते हैं, तो आज वो है। तो वहाँ भी जाना होगा, देखते हैं कौन जाता है, क्योंकि अभी स्कूल भी देखना जरूरी है। अगर पापा जाएंगे तो फिर मुझे रुकना पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी स्कूल पे रहेगा क्या। और अगर पापा नहीं जाएंगे तो फिर मैं जाऊँगा, बट इवन हो सकता है कि मैं शाम में चला जाऊँ, स्कूटी उठा के चला जाऊँ, जैसा होगा आपको बताएंगे। लेकिन मटकोर जो है वो 3-4 बजे से दिन में ही होगा, हर जगह का अलग अलग रिचुअल्स होता है। हमारे यहाँ तो रात में निकलती है 8 बजे से, क्या। और सबसे मटकोर अभी तक हम खतरनाक वाला देखे थे, कहाँ पे, यहाँ पे आर्यन के घर पे भाई 12-1 बजे रात में जो हुआ था, मतलब वहाँ पे माटी को अलग ही लेवल का था, और सारे रिचुअल्स भी अलग। यही तो खूबसूरती हमारे भारत की, कि अलग अलग जगह पे इतना अलग अलग कुछ भी देखने के लिए मिलता है, सीखने के लिए मिलता है, इंजॉय करने के लिए मिलता है, क्या बाबू। बोली चाली से लेकर रिचुअल सब कुछ बदल जाता है, तो अच्छा लगता है काफ़ी। जैसे आप कोलकाता में जाइएगा तो वहाँ का जो शुभ साउंड होता है, मतलब एक तरह से कह सकते कि पवित्र, क्या बोल सकते हैं उसको बाबू, जोकर बोलते हैं, ऐसे करते हैं। थोड़ा बहुत आ गया क्या मुझे, नहीं है, कैसे करते तुम, करके दिखा दो। जो पर नहीं किया जाता है ना, सुबह होता है तो भाई साहब नहीं किया जाता। चलो मैं सुबह सुबह, हे बजरंग बली माफ करना, हे दुर्गा माँ माफ करना, चलिए कोई नहीं। बट अभी मस्त फ्रेश होते हैं, सबसे पहले करते हैं, अभी तो स्कूल जाना होगा, जहाँ भी जाना होगा वो तो 11 बजे के बाद ही निकलना होगा। तो अभी चलेंगे सबसे पहले स्कूल। निशा की दिली इच्छा है जाने की, लेकिन नहीं जा रहे। अरे भाई मैं ले मजाक किया, मजाक, मेरे कोई फंसाने के चक्कर में पड़ गई, कह रही कि लेके नहीं जा रहे। मैं तो कह रहा हूँ चलो ऐसा किया जाए, शाम में कार किया जाए, लेकिन शाम में कैसे कार करें, मतलब जब है फंक्शन तब चला जाए और आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है प्लान हमारा। ज़्यादा दूर भी नहीं है मौसी का घर, और मतलब मौसी का घर आधा घंटा का रास्ता है, आधा घंटा से 40 मिनट। और जो मतलब जहाँ पर शादी तो आज कथा मटकोर है, वहाँ पे 40 मिनट का रास्ता है जलालपुर। और इधर जहाँ जाना है हम लोग को, जहाँ पर 11 तारीख को मौसी की शादी है, छोटी वाली प्यारी सी मौसी है,
उनकी शादी है तो वो है कितने तारीख को, 11 तारीख को, और वो सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, 5 से 10 मिनट का रास्ता। देखते हैं क्या होता है, कहाँ जाते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब कुछ आपको दिखाएंगे। ये तो सब कुछ रेडी कर ली है, सारा कपड़ा वगैरह सब धो धा के एकदम बस आयरन करना बाकी है ना जी। मेरा भी तो सब सूख ही गया होगा कपड़ा, क्योंकि गाइस इतना सारा फंक्शन था, बैक टू बैक 4-5 कपड़े, मतलब जो अच्छे पार्टी वेयर थे सब लेके आदमी घूम रहे थे हम लोग, निशा सब, क्योंकि जब निकले थे तो पहले पूजा का फंक्शन, शाश्वत भाई का फंक्शन, फिर वहाँ से हम लोग गए इटावा, गए अंकुश भाई के फंक्शन में, फिर बहुत सारे कपड़े हो गए थे। आने के बाद घर भाई बारिश अलग से परेशान किया हुआ था, तो इतनी प्रॉब्लम हुई ना, इतनी प्रॉब्लम हुई कि क्या ही बताएं, सारा कपड़ा धोना पड़ा। बट फाइनली यही राहत की बात है कि कपड़ा सब सूख गया है और आज बारिश नहीं हो रही है। लेकिन निशा कह रही कि फॉरकास्ट में क्या दिखाया, अच्छा फॉरकास्ट इसमें नहीं है, ये डेली सूत उठ के फॉरकास्ट चेक करती है कि क्या दिखा रहा है। तो चलिए एनीवे, आप लोग बने रहिए, खूब सारा प्यार सपोर्ट करते रहिए, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो समझ गए होंगे क्या करना है, खोलना है, फॉलो करना है। फिर से बता दिया, फेसबुक पे हमारी 50,000 की फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। ऐसी और प्यार थोड़ा सा कीजिए, थोड़ा कीजिए, 1,00,000 हो जाए कम से कम, ठीक है, घर में भी अच्छा लगेगा। तो अभी मैं एकदम रहा वहाँ के हो चुकी हूँ फ्रेश, तितली को सुला दिया था मैंने, तो तितली भी जग चुकी है अभी अभी, बाकी उधर मम्मी जी भी बैठी हुई हैं, क्योंकि अभी शादी वादी है तो थोड़ा देर में तैयार वगैरह होके निकलेंगे, मम्मी निकलेगी। अब मेरा जाना कंफर्म है या नहीं है अभी असमंजस में है, देखते हैं क्या होता है, जैसे होता है वैसे तैयार होंगे। पहले तितली को जा रही हूँ, हाफ रेडी हूँ, हाफ रेडी होना बाकी है ना मम्मी, अब मम्मी भी हाफ रेडी है, हाफ रेडी होना बाकी है, थोड़ा 2 घंटा बाद से ही निकलेंगे। अब बाकी जो भी काम होता है जैसे आलता लगाना, नेल पॉलिश लगाना, तो ये सब मम्मी अपना कर चुकी है, बस साड़ी पहनना है, मेकअप करना है, निकल जाना एकदम ढिचिक ढिचिक, डीजे पे डांस हुई मम्मी बहुत खुश हो जाती है जब भी अपनी बहन से और मम्मी से मिलती है ना, सब कोई अपनी खुश हो जाता है, अपने मायके के नाम आता है तो एकदम अलग ही खुशी आ जाती है, अलग ही चेहरे पर रौनक आ जाता है कि भाई से मिलना है, मम्मी से मिलना है। और फिर और एक शादी है मम्मी के मायके में ही, मतलब मम्मी के ननिहाल में, नानी घर पे शादी है मम्मी की बहन की, तो उसमें भी देखते भी जाना है नहीं आना है, बैक टू बैक 3 घर में फंक्शन है, और किस में जाएंगे, कैसे जाएंगे, कब जाएंगे कुछ पता ही नहीं है। तो कितनी इधर देखिए चौक खा रही है, ऐ क्या ची खा ली हो, तो मम्मी को भी पाँव में आलता वगैरह लगाएंगे, मैं भी जा रही हूँ लगा लेने, बहुत दिन हो गया आलता लगाई, कल मंदिर भी ऐसे चले गए, मंदिर हम लोग कभी ऐसे नहीं जाते खाली पाँव, हमेशा जब भी जाते हैं तो पाँव में आलता लगा के ज़रूर जाते हैं। मम्मी की मम्मी कहती है कि लिपस्टिक लगे ना लगे लेकिन पाँव में आलता लगाना चाहिए तो इसीलिए पाँव में आलता जा रहे हैं लगाने के लिए, और टिकली को भी तैयार करेंगे और देखते हैं चलेंगे हम लोग भी घूमी घूमी। यहाँ पे लग चुका है मेरे पाँव में आलता एंड नेल पॉलिश भी लगा लिया मैंने इधर, लेकिन तितली को देखिए वहाँ पे क्या किया है, ये मुझे अलग ही परेशान कर रही थी, मैं इधर लगा रही थी आलता तब तक ये लग गया, और तो देखिए क्योंकि है यहाँ से निकलता है एसी का पानी, और मैंने ये इसको अभी ऑफ किया इसी को करते देखा, मैं क्या करूँ इसको लेके मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, और इसको मैं सोच रही हूँ अब इसके नानी घर भेज दूँगी, ये मेरे से संभाल ही नहीं पा रही है, देखिए इसको ऐसे नहलाती हूँ नॉर्मल पानी से, तो ये नहाएगी नहीं, इसको ठंड लगती है, और एसी का पानी इतना ठंडा होता है, छपक छपक तितली पिटाई करें हम, इधर देखिए आलता लेके इसने सारा कर दू किया, मतलब बेडशीट खराब कर दिया पूरा, और इधर इसको चल चल तुमको पिटाई करते हैं, ए बेटा सो यार देखा, हाथ दिखाना हाथ दिखाना, शो मी योर हैंड, देखिए आलता लगाई हाथ में दोनों, अपने से लगाइए अपने से लगाइए, और बदमाशी करोगी हाँ तितलू, तुम चलेगी कि नहीं, हरी 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 हरी। तो गाइस ब्लॉग को बंद करना पड़ेगा, जा रही हूँ इसको किसी भी कीमत पे, अब इसको तैयार करूँ पहले, मैं बाद ही में तैयार होंगी चाहे नहीं भी होंगी, मैं ऐसे भी चली जाऊँगी शादी घर, लेकिन इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये वरना इसीलिए मैं कैमरा नहीं पकड़ पाती हूँ जल्दी, एंड यही सारे करतूत है जो मुझे मतलब टाइम ही नहीं मिलता मैं कि ब्लॉग शुरू करूँगा, अदरवाइज मैं इसका ध्यान नहीं करूँगा। तो वैसे बिना देर के अभी इसी को देखते समझ,
हे गाइस, तो फाइनली आ चुका है स्कूल से पढ़ा के, और आज डे स्कूल का फर्स्ट डे था। मतलब हालत पूरी खराब हो गई है, देख सकते हैं। घड़ी में बज रहे हैं 2:30, एसी भी चल रहा है, फैन भी चल रहा है, तो भी भाई गर्मी लग रही है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मेरी मौसी की बेटी का मटकोर है, कथा पूजा है वहाँ पे। तो पहले था कि सिर्फ माँ ही जाएगी, बट माँ बोल रही है कि नहीं तुम लोग भी चलो, क्योंकि मौसा जी बार बार फ़ोन कर रहे हैं वहाँ से कि नहीं निशा को भी लेकर आइए, बाबू को भी लेकर आइए। तो इसीलिए प्लान ये हुआ, मुझे भी सरप्राइज मिला घर आके। अभी मैं स्कूल से आ रहा हूँ और यहाँ देखिए, ओ भाई साहब एकदम ये लो। आज तो तहलका मचाइएगा भाई, जब तैयारी चल रहा है इनका पूरा, समझ रहे गाइस। यानी तितली भी जाएगी, तितली के पापा भी जाएंगे और तितली की मम्मी भी जा रही है, यानी अब मजा आएगा कथा पूजा में वहाँ पे। तो आप लोग बने रहिए, खूब सारा प्यार सपोर्ट कीजिए। बाकी अभी क्या है कि पहले तो हम सोच रहे थे कि भाई जाए या नहीं जाए। तुम लोग का कैसे सडनली फिर प्लान हो गया, हाँ कैसे प्लान हो गया सडनली जाने का? सडनली हो गया, जल्दी करे क्योंकि लेट हो गए, जल्दी। ये भी बात सही है, लेट हो गए, बट चलिए कोई नहीं, 10 मिनट में लगेगा और 10 मिनट में सब कोई हो जाएंगे रेडी। भाई साहब भी चलेंगे हमारे, तो अभी सब कोई चलेंगे, हम लोग पूरा परिवार। पापा नहीं जाएंगे, पापा शायद यहीं पर रहेंगे, तितली यहीं पर रहेगी। तितली तुम रहेगी ना दादा के पास? तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर, मिलते हैं आपसे अगले फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। अब मजा आएगा ब्लॉग में, आप समझ गए होंगे, तो बने रहिए।